करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ग्रो मोर ट्रेडिंग में। तो गाइस आज हम डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में गाइस, जिसका एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन बना हुआ है बाइंग साइड के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो बंधन बैंक का जो मल्टीपल सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है उसको हम लगा देते हैं आपके सामने, जिसमें कि आपको भी आइडेंटिफिकेशन होगी इसमें मल्टीपल टाइम का सपोर्ट लेवल कहाँ पे है। गाइस जो मल्टीपल टाइम का सपोर्ट लेवल है वो 211 रुपये पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम का सपोर्ट लेवल है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल के नीचे कभी भी शेयर ने ज़्यादा दिन तक कंसोलिडेशन नहीं किया है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बगैर किसी प्राइस एक्शन के। वन वे जब रैली किसी भी शेयर में आती है तो गाइस उसमें करेक्शन भी उतना ही फास्ट आता है। उसके अलावा हम यदि इसमें देखें जो ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर आया है वो भी काफ़ी अच्छा लेवल है। ऊपर की साइड में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेवल है इसका भी मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस लेवल है, आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं गाइस, जो कि यहाँ पे देखेंगे काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया था। अब उसी तरीके से ये ब्रेकआउट भी देने की पॉसिबिलिटी रखता है गाइस बंधन बैंक का शेयर, जो कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ कंसोलिडेशन होना और कंसोलिडेशन है यहाँ पे काफ़ी 2 से 3 दिनों का कंसोलिडेशन होने के बाद या एकदम से इसमें बाइंग साइड का लेवल अपर साइड के लेवल दिखाने लग जाए ये शेयर, तो आप इसमें ज़रूर कंसीडर करके चल सकते हैं गाइस कि इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो 270 का लेवल है इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा आपको इजीली। वो उसकी वजह ये हो सकती है गाइस कि यहाँ पे जब भी कोई शेयर अपने प्रीवियस स्विंग को रीटेस्ट करने आता है तो वहाँ पर डबल फोर्स से बाइंग आती है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के पास रुका हुआ है और वहाँ से जब भी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये शेयर भी ब्रेकआउट दे इस लेवल का, और ब्रेकआउट देने के बाद इसके जो टारगेट निकल कर आएंगे वो हायर साइड की तरफ, वो आपके सामने अभी लगा देते हैं गाइस। जो हायर साइड की तरफ हमारा फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए वो 270 रुपये का ही रखना चाहिए एज आ F&O ट्रेडिंग और एज आ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। जब इसके बाद इस प्राइस के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाए तो आपको इसमें ये वाला स्विंग जो बना हुआ है गाइस ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है, जो कि 314 रुपये का गाइस सॉरी। तो जिस भी पर्सन को F&O ट्रेडिंग में रुचि है गाइस, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है गाइस, जिसमें कि हम डेली के 2 टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी 60 से 80% रहती है गाइस। और जिस भी पर्सन का अभी तक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन हुआ है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसमें कि आप स्टॉक की तरफ से हमारा जो उनके साथ कमिटमेंट है गाइस, वो हमारे किसी भी क्लाइंट से अपनी एनुअल मेंटेनेंस फीस लाइफ टाइम के लिए नहीं लेंगे गाइस। तो इस चीज़ को जरूर आप नोट डाउन कीजिए, यदि आपने अभी तक आप स्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो जल्दी ही जाके आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाइए गाइस, क्योंकि हमारा थर्ड टारगेट है इसमें 348 रुपये का है गाइस, जो कि थर्ड और फाइनल टारगेट होना चाहिए गाइस। यदि ये डाउनसाइड की तरफ ब्रेकडाउन देता है कंसोलिडेशन होने के बाद, जो कि ये शेयर बंधन बैंक का शेयर है गाइस, तो ये शेयर यदि डाउनसाइड की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो इस लेवल का ब्रेकडाउन देने से पहले इस शेयर में जो इसके प्रमोटर हैं उनका कोई स्कैम आ गया तो इसका ब्रेकडाउन हो सकता है गाइस, नहीं तो इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करे। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है वहीं से ये कंसोलिडेशन होके या वन वे रैली ऊपर की साइड में स्टार्ट कर दे गाइस, तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और